अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द सेवन वर्ड्स. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक प्रॉपरली. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओपन योर बुक पेज नंबर 17 एंड लिसन टू मी केयरफुली. सो इन चैप्टर 3 अ डे विद नंदू. ओके, अ डे विद नंदू दैट मींस नंदू के साथ एक दिन. नंदू कौन है, ये चैप्टर हम जब स्टार्ट करेंगे दैट टाइम विल एबल टू नो. सो नाउ लिसन, नंदू इज अ बेबी एलिफेंट. सो हु इज नंदू, नंदू इज अ बेबी एलिफेंट. एलिफेंट का एक बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा है. ही वॉज स्लीपिंग दैट मीन्स वो सो रहा था. ही वोक अप सडनली, अचानक से वो उठ गया, जग गया. वेयर इज ही, तो उसको लगा कि वो कहाँ है. ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं था कि वो कहाँ है. ओके, इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट. उसको ऐसा लगा कि वो सोया था, अचानक से जग गया, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे है. फिर उसको पता, उसको ऐसा लगा, लगने लगा, इट सीम्ड, मतलब उसको ऐसा फील हुआ दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स. उसको लगा कि वो एक फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट जहाँ जो जगह पे है उसके चारों तरफ बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े ट्रीज उसको सराउंड करके उसको उसके चारों तरफ प्रेजेंट. ओके, ही वॉज नर्वस. ओ मदर वॉज देयर ओनली, तो वो डर गया, घबरा गया. ठीक है, सो उसको देख, उसने देखा कि मदर, उसकी मम्मी जो है, मदर वॉज देयर ओनली, मतलब मदर मम्मी उसकी वहाँ पे थी. द ग्रेट फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेक्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. तो वो जब नंदू सोया था, तो वो बेबी एलिफेंट का बच्चा था, तो वो जब अचानक से जब उठ गया तो उसको ऐसे इमेजिन, उसने सब उसको ऐसे फील हुआ कि वो एक फॉरेस्ट के अंदर है और उसके चारों तरफ, वो जो जगह पे है उसके चारों तरफ बहुत सारे फॉरेस्ट ट्री के जो बड़े बड़े ट्रंक्स है, जो बड़े ट्रीज के जो पार्ट्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, वो उसके चारों तरफ है. पर उसको तभी पता चला द ग्रेट फॉरेस्ट यार इमेजिन, उसको जो उसने जो सोचा था कि उसके चारों तरफ पेड़ के पेड़ सब घेर के रहे हैं, पर एक्चुअली वो पेड़ नहीं थे. एक्चुअली क्या था, बस एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स. अब सबने एलिफेंट देखा है, तो एलिफेंट जो कलर होता है कैसा होता है, ग्रेइश होता है, तो और उनके जो लेग्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिग होते हैं, है ना, एंड साइज में ठीक होते हैं. तो एक्चुअली उसको कौन घेर के रहता था, उसका सराउंडिंग में कौन सारे थे, उसके ही फैमिली मेंबर्स थे, उन्हीं के ही लेग्स और ट्रंक्स जो थे. उसको लग रहा था कि वो ट्रीज के ट्रंक है. अंडरस्टूड? ओके, सो उसके चारों तरफ कौन थे, उसी के ही फैमिली मेंबर्स जो थे वही सब खड़े थे. तो उनकी पैर जो था, लेग्स और ट्रंक जो थे, उसको उसको लग रहा था कि ये फॉरेस्ट मुझे, मतलब नंदू को चारों तरफ से घेर के रखा. ओके, नाउ लिसन. नंदूस नानी, मतलब उसकी मम्मी की जो मम्मी है, नंदूस नानी इज द ओल्डेस्ट इन हिज हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो नंदू की जो नानी थी वो एलिफेंट्स का जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट जो थे उसकी फैमिली मेंबर्स थे, तो सारे मिलके बहुत सारे एलिफेंट बन गए, तो उनका ग्रुप बन गया था. तो उसकी जो नानी थी, नंदू की जो नानी थी वो उसकी मुखिया थी, मतलब ओल्डेस्ट, ही इज द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट. वो सारे जितने सारे एलिफेंट थे उसमें से सबसे एजेड कौन थी, सबसे उम्र वाली कौन थी, नंदू की नानी उनकी ग्रुप में. ओके, एट नून सी ट्रम्पेट अ लाउड साउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. तो दोपहर में क्या हुआ, एट नून सी ट्रम्पेट अ लाउड साउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. ट्रम्पेट मीन्स एलिफेंट की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट. तो दोपहर को बहुत जोर से इसे आवाज की और कहाँ दौड़ के दौड़ती चली गई, जंगल के तरफ, स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल, जंगल की तरफ दौड़ने लगी. द अदर फीमेल एलिफेंट्स स्टार्टेड टू फॉलो. जैसे नानी उसके ग्रुप में सबसे ओल्डेस्ट थी, सबसे एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी, तो वो जैसे जंगल के तरफ आवाज करके जोर से भागने लगी, तो बाकी सारे जो फीमेल एलिफेंट थे वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, भागने लगे. ओके, द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी बच्चा था, तो जैसे उसकी मम्मी और नानी और सारे एलिफेंट, उसके फैमिली मेंबर्स सारे एलिफेंट गए, तो वो भी उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ वो भी चलने लगा. ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 18. द हर्ड
और लीव्स, एक ट्विग्स मींस मैंने बताया था जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं वो और पत्ते सब तोड़ के खाने लगे। अलग अलग ट्रीज में अलग अलग ट्री से अलग अलग तरफ चले गए और तोड़ के वो लोग खाने लगे। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर ईटिंग दे मूव टुवर्ड्स द रिवर। पहले खाना खा लिया सब ने, पेड़ से तोड़ के पत्ते वत्ते जो सब उनको खाना था खा लिया। देन व्हाट डिड दे डू आफ्टर ईटिंग दे मूव टुवर्ड्स द रिवर। उन्होंने खाना खाने के बाद फिर पानी पीना है तो फिर रिवर की तरफ वो लोग भागने लगे। द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन वाटर। नंदूस मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मर्ड। तो सारे जो बच्चे थे बेबीज थे जो जैसे नंदू था तो वो क्या करने लगे, पानी की तरफ गए, रिवर के पास पानी पिए, फिर उसके बाद वो लोग रिवर में खेलने लगे। छोटा